वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम फॉर्मल लेटर को स्टडी करेंगे, कैसे लिखा जाता है फॉर्मल लेटर को, ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में अब मैंने आपको बता दिया है कि अब लेटर टू एडिटर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिटर, कोई न्यूज एजेंसी को अगर लेटर लिखना है, मान लो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, राइट, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या फिर द DNA हो गया, मतलब कि अलग अलग जो न्यूज पेपर वाले जो एजेंसीज है, राइट, उसको अगर किसी चीज के बारे में अवगत कराना है या फिर कोई इश्यू के बारे में बताना है जो उससे उसे हमें गुजारिश करना है कि वो अपने न्यूज़पेपर में छापे, जिससे कि लोगों को जागरूकता हो या फिर लोग जाने, जो अथॉरिटी है वो रेस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम क्या चालू करेंगे, सेंडर्स आपको बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि आपको किस किस एड्रेस से आपको सेंडर बनना है, यानी आपको क्या नाम से अज्यूम करना है अपने आप को, आपका एड्रेस क्या है वो ऑलरेडी दिया रहेगा। और जो जो रिसीवर है, राइट, जो न्यूज एजेंसी है उसको लिखना है, राइट, उसको लिखना है तो उसका एड्रेस क्या होगा, ये सब तुम्हारे एग्जाम में दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले जो एड्रेस दिया है सेंडर का, राइट, उसका एड्रेस लिख लेना। फिर एक लाइन स्किप कर देना, स्किप मैंने लिखा है, एक लाइन लाइन खींच दिया, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक लाइन स्किप कर दें। उसके बाद आता है डेट, मतलब कि जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन का डेट आपको लिखना है, याद रखना जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन का डेट लिखना है ना। अगर कोई इवेंट है, कोई त्योहार से रिलेटेड अगर इवेंट है तो आपको त्योहार के आसपास का जो डेट है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये डेट लिखना है, डेट एक एक ही फॉर्मेट में लिखो, जैसे कि मैं August 15, 2021, ये बेस्ट फॉर्मेट रहेगा, आई थिंक सो। पहले मंथ लिख लो, फिर डेट लिख लो, फिर ईयर लिख लो, या फिर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, दूसरा भी फॉर्मेट है कि 15th August, राइट, 2021। आपको ये सबसे इजी और छोटा फॉर्मेट लगेगा, ज्यादा बड़ा तुम्हें आपको करने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद फिर से लाइन आपको क्या करना है, स्किप करना है, यानी यहां पे एक लाइन गैप करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीवर्स पोस्ट, पोस्ट यानी डेजिग्नेशन, पोस्ट मतलब डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पोस्ट या पदवी, पदवी यानी उसका किस पद पे वो वहां पे इट मीन्स काम कर रहा है, मतलब कि उसका पोस्ट क्या है, जैसे कि प्रिंसिपल हुआ, द एडिटर हुआ, द मैनेजर हुआ, फिर उसके बाद द डिप्यूटी मैनेजर हुआ। तो ऐसे जो भी पोस्ट होते हैं उसका वो जो रिसीवर है उसका पोस्ट लिखेंगे। कहीं कहीं आपको पोस्ट या फिर डेजिग्नेशन दोनों लिखा आएगा, तो मैं पोस्ट ही लिख दिया, पोस्ट मतलब पदवी, जिस पदवी पे है, जैसे कि बैंक मैनेजर को द बैंक मैनेजर होगा, है ना, अगर प्रिंसिपल को द प्रिंसिपल, अगर हम कंपनी के मैनेजर को द मैनेजर ओनली लिखेंगे। फिर जो रिसीवर है, रिसीवर का पोस्ट तो लिख लिए, डेजिग्नेशन लिख लिए, लेकिन उसके जस्ट नीचे जगह नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहां पे जस्ट नीचे रिसीवर का एड्रेस भी लिखना है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है, मतलब कि जिस एडिटर को आप दे रहे हो तो उस कंपनी का यहाँ पे नाम रहेगा। ठीक है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, और बाकी जो एड्रेस कहाँ पे है, ये सूरत में है, अहमदाबाद में है, जो भी है, फिर ये नीचे पूरा एड्रेस रहेगा, उसके बाद ये पूरा एड्रेस में आएगा। ठीक है ना, ये पूरा एड्रेस में आएगा, ये पूरा एड्रेस में आपको ये पूरा एड्रेस रहेगा। पोस्ट के बाद आपको उसका पूरा एड्रेस लिखना है। ठीक है, जिस एडिटर न्यूज एजेंसी के एडिटर को आप दे रहे हो, ठीक है, उसका एड्रेस लिख लिया। उसके बाद एक लाइन और छोड़ देना है, स्किप वन मोर लाइन, स्किप करना यानी मतलब कि एक लाइन आपको छोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके नीचे आप सब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इश्यू क्या है। आप एडिटर को लेटर तो लिख रहे हो, लेकिन किस इश्यू पे लिख रहे हैं, कौन सा इश्यू है जिसे आप कन्वे करना चाहते हो, तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी है इश्यू, है ना, चाहे वो वाटर स्कैर्सिटी के हो, अनहाइजेनिक कंडीशंस की हो, या फिर स्ट्रे डॉग्स की हो, स्ट्रे एनिमल्स की हो, है ना, आवारे एनिमल्स जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसका कोई मालिक का पता नहीं रहता है, डॉग्स घूमते रहते हैं, या फिर तुम आपके यहाँ पानी की स्कैर्सिटी, पानी की कमी है, या फिर आपके यहाँ
फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, तो ये जो भी आपका इश्यू है, आप न्यूज़पेपर में क्या इट मीन्स प्रिंट करवाना चाहते हो, क्या पब्लिश करवाना चाहते हो, वो उसका इश्यू यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर उसके नीचे एक लाइन फिर छोड़ना है, स्किप वन लाइन, यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके नीचे आप सैल्यूटेशन लिखोगे। सैल्यूटेशन मतलब कि आप, आजकल एक फैशन हो गया है क्या कि सैल्यूटेशन में डियर का वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है, डियर सर या फिर डियर मैडम, डियर सर या फिर डियर मैडम। पहले तो हम इसे इनफॉर्मल मानते थे डियर को, लेकिन अब ये फॉर्मल में भी यूज होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कोई कहता है कि ये इनफॉर्मल है तो आप बोलो कि आज का जो न्यू ट्रेंड है, न्यू फैशन है, वो डियर कॉमनली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर सर डियर मैडम में से कोई एक लिखना, अगर आपको एग्जाम में दिया हो कोई, इट मीन्स मेल है तो डियर सर, अगर नहीं पता है तो डियर सर या फिर डियर मैडम में से कोई एक लिख लेना अगर नहीं पता चलता है तो। फिर उसके बाद आपको जस्ट उसके नीचे से लिखना चालू कर देना, ये बीच से जो सैल्यूटेशन लिखा ना ठीक इसके नीचे से लिखना चालू कर देना, ठीक है। आपको तीन पैराग्राफ में कंप्लीट करना है, टोटल कितने पैराग्राफ में आप कंप्लीट करोगे, तीन पैराग्राफ में। तीन पैराग्राफ में कभी भी कोई कोई भी चीज आप कंप्लीट करते हो तो तीन पैराग्राफ में करने से फायदा क्या होता है कि आप हर चीज को लिवरेज कर देते हो, यानी बैलेंस कर देते हो। तो सबसे पहला बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, पहला जो पैराग्राफ होगा ओनली इंट्रो पार्ट होगा, क्या होगा वो इंट्रो पार्ट, इंट्रो मतलब कि इंट्रोडक्शन, परिचय दोगे कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हो। तो ये आपको रट लेना है, आपको इतना लाइन तो क्रैम कर लेना है, इतना रट लोगे तो आसानी से आप ये लेटर टू एडिटर लिख सकते हो। ये जब भी लेटर टू एडिटर आए तो ये इतना रट लेना, आप थ्रू द कॉलम ऑफ यू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके एस्टीम्ड रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर या फिर काफी नामी गिरामी या फिर काफी एक पॉपुलर न्यूज़पेपर के कॉलम में I would like to draw attention of concerned authorities. मैं जो authorities इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ उनका मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, उनका मैं ध्यान अपनी तरफ या फिर अपने locality की जो issues है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। Towards, फिर उसके बाद जो subject आपने लिखा है वो subject यहाँ पे copy कर देना, ठीक है। इतना आपको रट लेना है शुरू में, intro part में आपको इतना रट के ही आपको exam में जाना है, जिससे कि आप आसानी से ये intro और जो लास्ट एंडिंग जो कंक्लूजन है, ये दोनों अगर अच्छी तरह से कर लिए, बीच वाला तो अपने हिसाब से जो तुम्हें इश्यू है वो लिख दो बीच में, जितना हो सके उतना भड़ास निकाल दो बीच में, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स, तो आपका सब्जेक्ट इश्यू आ जाएगा, ठीक है। टुवर्ड्स जो भी इश्यू है, टुवर्ड्स द वॉटर स्कैसिटी इन आवर एरिया, द इलेक्ट्रिसिटी कट, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट इन आवर एरिया, जो भी आपको इश्यू लग रहा है, जो जिस इश्यू के लिए आप एडिटर को लिख रहे हो, वो इश्यू यहाँ पे टूवर्ड्स के बाद रख देना है। इतना तो आपको रट लेना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स दिस, जो भी इश्यू है। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में आपका जो भी कंप्लेंट है, जो भी रिलेवेंट कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स है रिलेटेड, जो भी बातें आपको रखनी है, जो भी आपको इश्यूज बताना है कि यहां पे ये प्रॉब्लम्स है, वो सारे इश्यूज को आपको लिख देना, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों को फेस हो रही है। फिर आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन होगा, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, अच्छा होगा, ये बेहतर होगा, ठीक होगा कि इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, अच्छा होगा कि आप इसमें भला होगा कि आप अपने न्यूज़पेपर में इसे पब्लिश कीजिए, एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जो इससे रिलेटेड जो कंसर्न्ड इससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज है, कंसर्न्ड अथॉरिटी जो इस काम के लिए जिम्मेदार हैं, विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, इस मैटर इस इश्यू को इस मुद्दे को जरूर गंभीरता से लेगी, एंड सम करेक्टिव मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू दिस प्रॉब्लम, कोई न कोई करेक्टिव मेजर्स वो लोग जरूर उठाएंगे इस प्रॉब्लम के लिए,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये आखिरी जो कंक्लूजन है ये भी आपको रट लेना है, राइट। इतना आपको बिगिनिंग पार्ट यानी इंट्रो और ये आपको बॉडी पार्ट, जो भी आपको कंप्लेन करना है वो सारी बातें रख दो, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में जो पैराग्राफ है इसे कंक्लूजन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब कि निष्कर्ष क्या निकला, आखिरकार। आखिरकार आपको ये रट के ही जाना है। तो इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में पब्लिश करो तो काफी अच्छा होगा, है ना। एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज इसके लिए जिम्मेदार है, विल सी द ग्रेविटी, इस इश्यू को गंभीरता से लेगी एंड सम करेक्टिव मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई करेक्टिव स्टेप्स लेगी। फिर एक लाइन छोड़ना आप, है ना, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, स्किप, जहां जहां स्किप लिखा वहां पे एक लाइन छोड़ते जाना। हाँ, इनके बीच भी गैप रखना, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ लिखे तो गैप, सेकेंड पैराग्राफ लिखे तो गैप, फिर थर्ड पैराग्राफ उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिख देना। गैप का मतलब एक एक लाइन छोड़ते जाए, एक लाइन एक लाइन, तीनों पैराग्राफ के बीच में एक एक लाइन का गैप रहेगा। फिर स्किप यहां पे करोगे, मतलब कि एक लाइन यहां पे छोड़ोगे, राइट। जब एंड कर रहे हो तो यहां पे थैंकिंग यू लिखोगे, ये कॉमन रहेगा, आपको ज्यादा कुछ तेल मसाला नहीं लगाना है, आपको थैंकिंग यू ये कॉमनली आपको सब में लिखना है। जब भी लेटर टू एडिटर आए, योर्स फेथफुली लिखो या फिर सिंसियरली लिखो या फिर ट्रूली, इसमें से कोई एक लिख देना, आपका काम हो जाएगा, राइट। योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखना है, ऑफिशियल लेटर में ओबीडियंटली नहीं लिखा जाता है, ठीक है। स्कूल्स के टीचर्स को लिखते हो तो ओबीडियंटली लिख सकते हो, पेरेंट्स को लिख सकते हो, तो वहां यहां पे आप ओबीडियंटली लिखने की गलती मत करना। तो योर्स फेथफुली लिखो, योर्स सिंसियरली लिखो, योर्स ट्रूली, कोई भी एक लिखो इसमें से। फिर जो नाम दिया है क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में, वो नाम यहाँ पे आप लिखोगे, जिस नाम से आप ये कंप्लेंट या शिकायत कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा लेटर टू एडिटर। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल वाला मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर। तो अगर आपको समझ में आया तो डू लाइक द वीडियो। अगर आप अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अब तक किसी को आपने बताया नहीं है तो डू शेयर इट एंड सो दैट दे कैन गेट द हेल्प फ्रॉम यू, जिससे कि उनको थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाएगी तो डेफिनेटली बोर्ड में कुछ हद तक वो काफी अच्छा कर पाएंगे। तो कीप ज्वाइनिंग विद अस अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। दैट इज ऑल, थैंक यू।